यूपी में कई दिन से 27 तारीख से डिपे हुए हैं। वहाँ पे टॉयलेट बंद करा दिया गया, इवन खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जो जेएलएन मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद करा दिया गया है कि कोई आ जाना पाए। जो टीचर सपोर्ट कर रहे थे, जो रुपए दे रहे थे, वो भी वहां पे आ नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में वो पूरी तरीके से इसको दमन करना चाह रहे हैं। बार बार खुराना जी कहते हैं कि जब कहा जा रहा है कि सीबीआई से जांच कराई जाए और सारा एग्जाम कैंसिल कराया जाए, आप कैसे कह सकते हो कि 21 का पेपर आउट हुआ, 17 का आउट नहीं हुआ, जबकि 17 की फोटो तो पहले से वायरल थी। बार बार ये एसएससी बोर्ड असीम खुराना जी या फिर जो नेता है वो सारे के सारे यही आके कहते हैं कि हम सीबीआई के लिए जाएंगे आगे, लेकिन बीच में हम डीओपीटी जाएंगे। फिर ये जब आप वहां से लड़के चले जाएंगे तो आप क्या ये हम इस लेवल पे फिर से पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोगों को अपने में अपना ही विश्वास हम खो देंगे। ये इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। ये अभी तो एसएससी के खिलाफ है, लेकिन एसएससी केवल एसएससी नहीं बल्कि सारे के सारे आयोग, आपको पता है अभी पिछली गवर्नमेंट में यूपी SSC, उसमें भी हाँ इतना जरूर था कि 1000 वैकेंसी आती थी तो 500 फेयर सिलेक्शन होते थे, 500 में घूस चली जाती थी। आप बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं, आप उनसे पूछो तो उनके गली मोहल्ले के ऐसे लड़के जो कभी ना पढ़ते थे ना कुछ, उनकी थोड़ी सी सेटिंग थी, थोड़ी सी पहुंच थी, तो उनको नौकरी मिल गई है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वास्तविक दावेदार हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बस इधर उधर पूरे टाइम मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, आके मिलते हैं कि सर हम दिन भर जुटे रहते हैं, घर वाले पूछते हैं कि क्या होना है, लेकिन कुछ नहीं, कोई Justice! 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 Justice!